नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बुरी खबर सामने आई है। कोरोना दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों पर कहर बनकर टूटा है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए घोषित की गई टीम के 16 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी फर्स्ट क्लास मैच के दौरान कोविड 19 से एक्सपोज हो गए हैं, जिसके कारण श्रीलंका बोर्ड अब इस सीरीज को रद्द करने के बारे में सोच सकता है। बता दें, इस घटना के बाद दक्षिण अफ्रीका बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट को रोक दिया था। बता दें, श्रीलंका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम बुरी मुसीबत में फंस गई है। श्रीलंका के लिए घोषित की गई टीम के 16 में से 10 सदस्य फर्स्ट क्लास मैच के दौरान कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना के बाद क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने घरेलू टूर्नामेंट पर रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने तक घरेलू क्रिकेट पर रोक लगाने का फैसला किया है। घरेलू टूर्नामेंट में रविवार से 3 मैच खेले जाने थे। सोमवार को डॉल्फिन और टाइटस के बीच खेले जा रहे मैच में 5 खिलाड़ियों की कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद रद्द करने का फैसला किया गया। इस मैच में सिर्फ एक दिन का खेल ही पूरा हो पाया था। बता दें, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए चुनी गई टीम के 5 सदस्य बुधवार को ईगल्स और लायंस के बीच खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को भी रद्द कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ चुनी गई टीम के सभी वो सदस्य ही कोविड पॉजिटिव होने से बचे हैं जिन्होंने इस हफ्ते किसी मैच में हिस्सा नहीं लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान डिक कॉक का पॉजिटिव नहीं पाया जाना राहत की बात है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इस बात का 26 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका ने साफ किया है कि बायो बबल में एंट्री होने से पहले सभी खिलाड़ियों की कोविड 19 रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी है। जिस खिलाड़ी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है, उन्हें पहले टेस्ट मैच से बाहर रखा जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।